बीच भाजपा विधायक मदन दिलावर एक बार फिर से विवादित बयान के चलते सुर्खियों में है। जी हां, इस बार विधायक मदन दिलावर ने किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल मदन दिलावर ने कहा कि तथाकथित किसानों को देश की चिंता नहीं है और ये तथाकथित किसान आंदोलन नहीं पिकनिक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान चिकन बिरयानी खाकर बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से आंदोलनकारियों से एकत्रित होने को रोकना चाहिए, जिससे लोगों को बर्ड फ्लू से बचाया जा सके। आपको बता दें कि भाजपा विधायक मदन दिलावर अक्सर विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अन्नदाताओं पर जुबानी प्रहार किया है। तो मदन दिलावर एक बार फिर से अपने विवादित बयान के चलते सुर्खियों में है और इस बार जो विवादित बयान उन्होंने दिया है वो देश के अन्नदाताओं पर दिया है। तथाकथित किसान उन्हें कहा और साथ ही ये भी कहा कि षड्यंत्र के तहत वहां पर चिकन खाकर बर्ड फ्लू को फैलाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जुबानी प्रहार एक तरीके से यहां पर ज्यादा ही बढ़ चुका है। किसान आंदोलित है और इस बात के लिए आंदोलित है जो किसानों के हित में बिल लाया गया है उस तीनों बिलों को निरस्त किया जाए ताकि किसानों को लाभ न मिले और इन लोगों के सामने हाथ जोड़कर खाली पे किसान रोता रहे। तथाकथित किसानों को देश की चिंता नहीं है, देश के लोगों की चिंता भी नहीं है, क्योंकि ये तो आंदोलन क्या एक पिकनिक मना रहे हैं, वह चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, सब प्रकार के ऐश्वर्याराम कर रहे हैं और वेश बदल बदल करके वहां इस प्रकार से आ रहे हैं जिसमें कोई आतंकवादी भी हो सकते हैं, जिसमें कोई चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, जो किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये सब लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी पिंटू सिंह नरूका इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, जब बीते 45 दिनों से देशभर में एक मुद्दे के ऊपर इतना बड़ा जो आंदोलन है व्यापक स्तर पर वो जारी है, ऐसे में ये बात सामने आना मदन दिलावर की एक बार फिर से यहां पर जुबानी प्रहार यहां पर किया है और उनका ये कहना कि जो किसान है वो तथाकथित किसान है और वहां पर बर्ड फ्लू फैलाने की कोशिश की जा रही है, चिकन खाकर पिकनिक वो मना रहे हैं, कितना ज्यादा बुरी बात ये इस टाइम पर ऐसा जो बयान है वो आना है, कितनी संजीदा बात है पिंटू ये? देखिए जीती, मदन दिलावर भाजपा के कद्दावर नेता है, वरिष्ठ नेता है, मौजूदा विधायक है, पूर्व मंत्री है और संगठन में प्रदेश के महामंत्री है, लेकिन जिस प्रकार का विवादित बयान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर दिया है, एक तरफ केंद्र सरकार लगातार किसानों से वार्ता कर रही है और जो भी उनकी मांगे हैं उन पर विचार कर रही है और बड़ी संवेदनशील तरीके से उनकी वार्ता चल रही है शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसे में एक जिस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को भड़काने वाला ये बयान है और काफी विवादित बयान है। इस प्रकार से किसान जो एक अन्नदाता है और उनकी वो मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें, ऐसी स्थिति में इस प्रकार का बयान देना कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार के सामने ही अपनी ही पार्टी के सामने वो चुनौती खड़ी करेंगे और जो बयान उन्होंने दिया काफी विवादित है। उन्होंने किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं और उद्वेलित करने वाला आंदोलन बताया है, करने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि वो किसान जो है वो तथाकथित किसान है और वो आंदोलन नहीं वहां पर पिकनिक मना रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा विवादित बयान दिया, उन्होंने जिक्र किया है कि वहां के जो आंदोलन कर रहे हैं किसान वो चिकन बिरयानी खा रहे हैं और बर्ड फ्लू फैलाने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार जो जहां पर किसान आंदोलन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं उनको रोके और देशवासियों को बर्ड फ्लू के इस प्रकोप से बचाने के लिए आंदोलन को समाप्त करें, निवेदन करें। अगर निवेदन से ये किसान आंदोलन खत्म नहीं होता है तो सख्ती बरतें, ये केंद्र सरकार से मांग भी की है, लेकिन केंद्र सरकार के जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो लगातार किसानों से वार्ता कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता करके कानूनों के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में मदन दिलावर का ये बयान, विवादित बयान, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए भी चुनौती खड़ी करेगा और किसानों को और उद्वेलित करेगा। तो पहले भी इस प्रकार के बयान मदन दिलावर देते रहे हैं, इस प्रकार के बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रहे, लेकिन आज सुबह उन्होंने ये
बयान जारी किया कि बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र वहां पर वो लोग किसान कर रहे हैं, तो तथाकथित किसान है, तो इस बर्ड फ्लू के प्रकोप से बचाने के लिए केंद्र सरकार को इस आंदोलन को समाप्त करवाना चाहिए। अगर वो निवेदन से इस आंदोलन को खत्म नहीं करते हैं तो केंद्र सरकार को सख्ती करनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा विवादित बयान है और इस बयान से किसान आंदोलन और ज्यादा उद्वेलित हो सकता है और केंद्र सरकार के सामने भी कई चुनौतियां खड़ी हो सकती है। बिल्कुल पिंटू, कहीं ना कहीं बड़ा और काफी असंवेदनशील जो बयान है वो दोनों ने दिया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। चलिए फिलहाल एक